छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर की उदयमान जूडो खिलाड़ी स्नेहा नियोगी ने तृतीय वुमेन्स लीग राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करके सिर्फ दुर्ग जिले को नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। दुर्ग के गुरु नानक स्कूल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत स्नेहा नियोगी अनलिमिटेड जूडो एकेडमी हाउसिंग बोर्ड भिलाई में राष्ट्रीय प्रशिक्षक पी किशोर से जूडो का प्रशिक्षण विगत 4 वर्षों से ले रही है और आज उसका परिणाम वेस्ट जोन वुमेन्स लीग जूडो प्रतियोगिता संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी अहमदाबाद गुजरात में रजत पदक लेकर गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किया है। स्नेहा नियोगी द्वारा अनेक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय वुमेन्स लीग में कांस्य पदक, राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक, राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त कर चुकी हैं। तृतीय वुमेन्स लीग जूडो प्रतियोगिता गुजरात में आयोजित प्रतियोगिता में अपने वजन वर्ग 78 किलो के प्रतियोगिता में फाइनल तक पहुंची। वहां उनका सामना मध्य प्रदेश राज्य की खिलाड़ी से हुआ, जहां उन्हें कुछ अंकों से पराजित होना पड़ा और रजत पदक प्राप्त किया। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने न्यूज टीम को दी है। अभी इस समय हमारे छत्तीसगढ़ के जो सब जूनियर और कैडेट वर्ग के जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में ही भारतीय जूडो महासंघ द्वारा बालिका खिलाड़ियों के लिए एक विशेष टूर्नामेंट आयोजित कर रही है। वो ये इसका तृतीय वर्ष है ये उसका, और उसमें हमारे जोन जो वेस्ट जोन था जिसकी प्रतियोगिता अहमदाबाद में हुई थी उसमें हमारे छत्तीसगढ़ से कई बच्चों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उसमें से हमारी भिलाई की एक स्नेहा नियोगी नामक खिलाड़ी है जो +78 kg में खेलती है, उसने रजत पदक लिया। मैं उसके लिए उसको बहुत बधाई देता हूँ। उसके अलावा हमारे कोंडागांव क्षेत्र की 2 बच्चियाँ हैं, उसमें से एक स्वर्ण पदक लिया, एक रजत पदक लिया है। भिलाई से एक और बच्ची है, उसने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया है। 4 मेडल आए हैं इसमें हमारे वुमेन्स लीग में। और ये जो चारों बच्चे हैं ये अब जब इसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो 25 इसी मंथ में 25 से 28 तक लखनऊ में होने जा रही है उसमें ये बच्चे भाग लेंगे। स्नेहा इस वक्त हम उसको सिर्फ मेडल के प्रॉस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं, अभी वो बहुत छोटी है, अभी अभी वो सब जूनियर से कैडेट में आई है। और मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि वो बच्ची दो दो नेशनल गेम्स, पिछले वर्ष का नेशनल गेम्स जो गुजरात में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और अभी जो गोवा में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। हमें ये अच्छे से मालूम है कि अभी वो मेडल को प्राप्त करना उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है कि हम उसको कितना मौका दे सकते हैं। आने वाला समय सिर्फ उसी के मेडल का होगा, ये हम लोग का विश्वास है। जूडो का स्नेहा नियोगी की इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी, महासचिव SR सोनी, कोषाध्यक्ष सतीश सिंह, बलौदा बाजार भाटापारा जूडो संघ के अध्यक्ष पी सुरेश, रायपुर जिला संघ के अनिश मेनन, प्रशिक्षकगण शेख शरीफ, विजय नाग, श्वेता यादव एवं किरण शर्मा इत्यादि ने बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।